तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि नियुक्ति के बाद पहली बार गाजियाबाद आ रहे थे। यूपी बॉर्डर पर दिल्ली से आते समय बीजेपी कार्यकर्ता वहां उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे ही उनका काफिला वहां पहुंचा तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत करना शुरू कर दिया। तभी दूसरी तरफ से किसान वहां पर काले झंडे लेकर पहुंच गए और वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये तमाम चीजें वहां देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने बीजेपी नेता की गाड़ी को भी तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों के हाथ में काले झंडे और किस तरीके से यहाँ पर हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता के स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और इस बीच वहां मौजूद पहले से ही जो किसान थे वो वहां पहुंचे, हाथों में काले झंडे लेकर विरोध करने लगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच इस बीच झड़प हुई। और किसानों ने बताया जा रहा है कि किसानों ने इस बीच बीजेपी नेता की गाड़ी को भी तोड़ा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से काले झंडे लेकर वहां पर किसान पहुंचे और वहां पर स्थिति क्या से क्या हो गई, एकदम से भगदड़ वहां मच गई। और बताया ये भी जा रहा है कि किसानों ने बीजेपी नेता की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे अपने नेता के स्वागत के लिए और इस बीच वहां पर किसान भी काले झंडे लेकर विरोध करने के लिए पहुंच गए। झंडे लेकर लोग आ रहे थे यहाँ और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी थी, उन्हें कहती कुछ नहीं, व्याज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहां तक वे गए, पत्थरबाजी उन्होंने करी। तो ये हो गया, उन लोगों का इल्जाम ये कि आप लोगों ने झंडे दिखाए और गाड़ी के शीशे खोले उनकी गाड़ी। अच्छा, मारे वालों ने तो किसी से फोड़े नहीं, शीशे अपने आप फोड़े, तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। मतलब अगर बीजेपी वालों में इतनी हिम्मत होगी, ताकत होगी कि वे तलवार भी घोस कर ले जाएंगे। अगर तलवार होती तो तलवार किसी के हाथ से तलवार खुसती है, तलवार तो जो गाड़ी में छुपा के जावे वही दिखाता है, लेकर भाग जा। ये पूरा 3 दिन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर रोज आते हैं, यही पानी पर टोल पर आ रहा है, मतलब एक ही तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान पहुंचे हैं काले झंडे लेकर, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद, आखिर क्या है पूरा मामला? जिस तरह से प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का आज यहां पर जो दिल्ली से अपने प्रदेश में जाना हो रहा था, वहीं पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो उसके स्वागत के लिए खड़े थे। स्वागत के दौरान ही वहां पर हंगामा हो जाता है और काले झंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिखाए जाते हैं। वही जो किसान नेता है वो कहते हैं कि ये हमारे आदमी नहीं है। ठीक है, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि किसान कहता है कि ये हमारे आदमी नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं ये हमारे आदमी, तो आखिर है कहाँ चूक हुई है पुलिस व्यवस्था, कहाँ जो चका चौबंद होती है हमेशा और यहाँ पर पूरी एक बटालियन रहती है पुलिस की, तो वो भी अभी जांच नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मोनिका ये लोग थे कौन, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि घटना हुई है, तोड़फोड़ हुई है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं तलवारबाजी भी हुई है, लठपिटाई भी हुई है, डंडेबाजी भी हुई है, लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन, इस चीज का अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है। जी होंगे। चलिए, शुक्रिया आपका अरुण, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और आप देख सकते हैं किस तरीके से डंडों से बीजेपी के नेता की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।